मां आपने जिसे 9 महीना पेट में रखा, ये गांव अपने गर्भ में एक क्लास क्लास वन से लेकर जवान बनाने के लिए 18 साल अपने गर्भ में गांव रखा, गांव के मिट्टी पानी धूप हवा में इस बच्चा को इस लड़का को जवान बनाया, सांड बनाया, मजबूत बनाया, स्ट्रांग बनाया, इसीलिए क्या शहर में भेजने के लिए किसी कंपनी में किसी सेठ जी के यहां जाके नौकर बनेगा, चाकर बनेगा? ये गांव इसीलिए इस युवक को निर्माण किया था? मां अपने स्तन के रक्त को दुग्ध बना के इसीलिए पिलाई थी? जिस गांव ये गांव का मिट्टी पानी धूप हवा आकाश अनाज इस युवा को इसलिए बनाया था कि जाके नौकर बने, चाकर बने? और जानते हो चाकर और नौकर किसे कहा जाता है? 4 बार बोलने के बाद भी करे ना करे उसे चाकर, 9 बार बोलने के बाद भी नहीं करे या 9 बार बोलने के बाद जाके करे वो नौकर। ये चाकरी और नौकरी का मानसिकता, ये मैकोले स्कूल, को एजुकेशन स्कूल, ये भैंस का दूध, जस्टी हॉलस्टॉम का दूध, रासायनिक खाद जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनोगे मन, ऐसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन ऐसा बनेगा धन, ऐसा बनेगा तन, ऐसा बनेंगे जन, परिणाम है आज। माए ध्यान देना, आपके लिए कह रहा हूं, बड़े गुरुत्वता के साथ कह रहा हूं। चलो ये लोग नौकर चाकर बन जाए चलेगा, लेकिन आपके दिमाग में जो कृच्छता भर दिया गया उससे तो निकलो पहले। चाकर मानसिकता, नौकरी मानसिकता से पहले अपने को निकालना। ये देश मालिकों का था साहब, मालिकों का, नौकरों का नहीं। उत्तम कृषि मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर। जिसका बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मूर्ख मूर्खाधिराज है, परम मूर्ख है, वो नौकरी करने के लिए अपने मातृभूमि को छोड़ के जाता है। स्वर्ग टू गरी असी से भी जो महान है वो मेरा मातृभूमि है। ऐसे मातृभूमि को छोड़ के शहर में किसी झोपड़पट्टी में किसी सेठ जी का पीछे नौकर वाला जो छोटे छोटे रूम रहते हैं वहां पड़े रहते हो बेशरम जैसे, गांव का शेर, गांव का सांड, गांव का पहलवान जुबा, शहर में जाके मात्र 5-10-20 हजार के लिए नौकर, अकल मती मारी गई। जो अति नीच अति बुद्धिहीन मूर्ख है, चलो भेज दो उसको, ये किसी काम का नहीं है, ना ये खाद बनाएगा, ना पानी बनाएगा, ना मिट्टी प्राकृतिक खेती करेगा, ना गौ पालन करेगा। कृष्ण भगवान क्या मूर्ख थे? भगवान भगवान कृष्ण भगवान, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्वानिति मतिर मम। ऐसे श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म धरती पे आए, पहला काम क्या किए? गोपालन संवर्धन करके, गोपालन संवर्धन करके, आके सुअर पालन नहीं किए, भैंस पालन नहीं किए, जर्सी हाउसमैन फ्रिजियन का पालन नहीं किए, रासायनिक खेती नहीं किए, मेरे कृष्ण कुछ किए तो गौ माता का सेवा किए, खुद भगवान आके गौ का चरण सेवा कर रहे हैं। वो कृष्ण भगवान। और हम गधे क्या बोलते हैं? ये यादव लोगों का, ये गोपाल लोगों का 80 साल में बुद्धि होगा? कोई बोलते यादव लोगों का 60 साल में अक्ल खुलता है? आप सोचो, दिल्ली गए हो कोई इंपोर्टेंट काम के लिए, पहला काम क्या करोगे? जो सबसे मुख्य काम जिसके लिए दिल्ली गए हो, या सब करोगे और मुख्य काम छोड़ दोगे? तो कृष्ण भगवान धरती पे आए, एक नंबर काम, पहला काम क्या किए? गौ पालन। आपका शिक्षा पद्धति, आपके मैकोले एजुकेशन, आपका को एजुकेशन,
लड़का लड़कियों को एक कमरा में दिन का 10 बजे से लेके 5 बजे तक भर देने वाला शिक्षा पद्धति, क्या कह रहा है? काउ इज ए एनिमल हु गिव फ्लैश एंड मिल्क, गाय एक जानवर है जो दूध और मांस देती है। ये बचपन से बच्चों के अंदर घुसाया जा रहा है। स्वावलंबी बनने का, मेहनती बनने का, श्रम और कर्म से काटने वाला यह शिक्षा पद्धति, ये मैकॉले एजुकेशन, ये गांव गांव में चलने वाले लड़का लड़की को गई कमरा में दिन में 10 बजे से लेके 5 बजे तक भर देने वाला शिक्षा पद्धति, जिसके कारण लड़का लड़की बचपन से एक कमरे में दिन में 8-8 घंटा 5-5 घंटा बैठ जाए तो उनके अंदर शुक्राणु का कमी, उनके अंदर कामुकता का वृद्धि, उनके अंदर चरित्रता, पात्रता, नेतृत्व और व्यक्तित्व का विनाश, ऐसा शिक्षा पद्धति हम धारण करें और हम बच्चों को सिखाएं कि बेटा गौ पालन कर, धर्म का धारण कर, गीता अध्ययन कर, रामायण का पाठन कर, इस देश के धर्म के अनुसार चल, मातरो देव भव पितरो देव भव कर, सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम कर, करेगा? बूढ़े माँ बाप को गांव में छोड़ के भागेगा शहर के ओर, क्योंकि आप सुने होगे गिद्दड़ का मौत आए तो कहां भागता है, गिद्दड़ का मौत आए तो किधर भागता है? बस समझ लेना, आपका बेटा का मौत आया इसीलिए शहर की ओर भाग रहा है। क्यों? बोला शहर में जाएगा तो चरस गांजा अफीम दारू, शहर में जाएगा वाइन डाइन साइन, समझ जाओ समझदार को इशारा काफी है, प्यास गद्दी है, कहने के लिए सब कुछ स्वाधीनता नहीं है। आप अपने हाथ से बच्चा, अपने बेटा, अपने युवा को शहर की तरफ भेजते हो कि बेटा जा विनाश होके आ जा, अच्छा अच्छा बीमारी लेके आ जा, नौजवान हृष्ट पुष्ट मजबूत पुत्र को बनाया शहर में भेजने के लिए कि बीमारी लेके आए, गलत जगह में मेहनत करके अपने सारा शक्ति और ऊर्जा को विनाश करके आए और जब बीमार हो जाए तो गांव में लाके फेंक दो। उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, किसका बुद्धि नहीं है, कम बुद्धिमान है, वैश्य कैटेगरी का है, क्या करेगा? बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा, पान का दुकान खोल के बैठेगा, विदेशी कंपनी का सिगरेट गुटखा चौमिन पेप्सी हॉटडॉग बर्गर पिज्जा बिस्किट 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 बेचेगा, मिक्चर बेचेगा, बोला मेरा बेटा पुलिस नहीं बनता, लेहर पेप्सी जहर पेप्सी खाएगा खिलाएगा गांव गांव में लाके बेचेगा, थोड़ा बुद्धि दुर्बुद्धि। यहां क्या कहना चाहता हूं ध्यान देना, माताएं बड़ा जोर से ध्यान देना, हम लोग बोलते हैं नारी जागी ले देश जागी, वो नारी जग जाए देश जग जाएगा।